और जो हमारी प्रोडक्टिविटी है, इस सत्र की प्रोडक्टिविटी मेन रहता कि सत्र की हमारी प्रोडक्टिविटी कितनी रही, तो 100.79% जो इस सत्र की हमारी प्रोडक्टिविटी है, 100.79%। और समय भी, क्योंकि हमने बैठक का समय 4 घंटे से 6 घंटे किया है, तो उस दृष्टि से चाहे हम ये कहें कि 8 सिटिंग हुई, लेकिन वास्तव में जो बाकी सभी विधानसभाएं हैं उनके अनुसार हमारी 12 सिटिंग का समय हमने इस सत्र के अंदर दिया। तो कर देते हैं नेम के अलावा भी, पर व्यवहार में तो सुधार नहीं आता नेम करने के बाद में। नहीं, नेम करने के बाद एक प्रोविजन है, अगर हाउस के अंदर रेजोल्यूशन आता है तो रेस्ट ऑफ द जो पीरियड है या रेस्ट ऑफ दी मीटिंग्स जो भी हाउस की हैं उस सत्र की, उसके अंदर उनको डीबार कर सकते हैं। तो हाउस को ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने कोई अमर्यादित नहीं, मर्यादा देखिए, पे ऐसा है कि मुझे लगता है कि हाउस की गरिमा को देखते हुए हम किसी मेंबर को डीबार नहीं करना चाहते। उसका एक डेमोक्रेटिक राइट है विधानसभा के अंदर अपनी बात रखने का, और वो लेकिन भाषा मर्यादित होनी चाहिए जो विधानसभा की गरिमा के अनुकूल हो। सर, अगर वो नहीं है तो आपको देखो इस देखिए हाउस उस, इस सेशन में हाँ, दो तीन बारी नेम करना पड़ा। अगर क्या हाउस में ऐसी सेंसेस नहीं बनी कि डिबार करने वाली नौबत आती, या उनकी भाषा को हाउस ने समझा नहीं अमर्यादित, आपको ही सिर्फ लगी होगी दिल्ली अमर्यादित विधानसभा होगी। ने एक सदस्य को 1 साल के लिए निलंबित किया है। कर नहीं सकते अगर आपके रूल्स में नहीं है। हमारे रूल्स में ये नहीं है। विजेंद्र गुप्ता को जो बीजेपी नहीं के नहीं नेता वो है, फिर वहां जाकर के कोर्ट के अंदर वो फिर हो गए थे, ठीक हो गए थे, एक अच्छा बार वो कोर्ट कर की बात दिया। भी सर, ये सेशन के अंदर अंदर तो इस प्रकार की टिप्पणियां आपको लेकर अभिषेक थोड़ा लगा था, सेशन के बाहर भी इस प्रकार की टिप्पणियां देखिए, थोड़ा ये भी मैं मतलब समझता हूं उसी कि जो लोकतंत्र के अंदर आइए सबसे बड़ी जो जज है वो जनता है, अच्छा एक उसकी और और बात उनकी जो टिप्पणियां हैं। मुझे कल दो लोग अननोन मिले, मतलब मुझे नहीं पता था, दो लोग बैठे थे किसी कार्यक्रम में और उन्होंने वो उनकी भाषा सुनी होगी, तो उन्होंने ही ये टिप्पणी की कि बहुत चीप लैंग्वेज का उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये सफिशिएंट है कि लोग क्या सोचते हैं।